ಶ್ರೀವಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವ గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదేవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. हरि ओम श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः. श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः. मற்றுமோர் தெய்வமுண்டோ மதியில்லா மானிடங்கள் உற்றபோது அன்று நீங்கள் ஒருவனன் உணரமாட்டீர் அற்றமேல் ஒன்றறியீர் அவனல்லால் தெய்வம் இல்லை கற்றினை மெய்த்த எந்தை கடலினை படிவன் மீறே. அழகான ஆழ்வார் பாசுரம். கற்றினை அதாவது மாடு கன்றுகளை மேய்த்தவன் யார்? கோவிந்தன். இங்கே நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்கொண்டிருப்பவன் யார்? கோவிந்தன். அவன் துவாபரயுக கோவிந்தன், இவன் கலியுக கோவிந்தன். அவன் கோவர்தன கிரியை கிடையாய் தூக்கி பிடித்தான் ஆயர்களையும் பசுக்கன்றுகளையும் பெருமழையிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக. இவன் திருமலகிரியில் நிற்கிறான் நம் போன்றவர்களை கலியின் பிடியிலிருந்து காப்பதற்காக. இருவரும் ஒருவரே. இந்த கோவிந்தனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து கோவிந்தனின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி கே லட்சுமி கிருஷ்ண சுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இனி தொடர்வது கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம். ஆக மந்திரங்களை காது குளிர கேட்டு, பின்பு கண்கள் குளிர தரிசித்து, மனம் குளிர இந்த வாய்ப்பை நமக்கு தந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். अस्यां शुभदो सुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य प्रेषात्मस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मीशकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ॐ धारा सप्तशमान शेषु सरसरसर्वूर्देषु अभविरन्हन् परिपादिष्ये घृणां तागं चिरगं शर्म इदमापस्वा शुदमा शांता शांतमा शुभा शुभमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतामृतरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्रस्वी आपोवायुं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणापशुवापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो योगिविश्वापो सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भसुरापो अस्मिन् गम्भेङ्गा चरित्रावाहयामि एतशतं वृणे सहस्रं ज्ञाः पादाविदाः पुत्रा तेभ्योन्द्रसुताद विष्णुष्वे देवां चन्द्रमत सुस्या वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमघ्यं समर्पयामि इदमाचूर्णं समर्पयामि एते प्रतस्त्रत्रयाभरण उपवेदपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः विवेक्षिताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्धं सद्धं सर्वमङ्गलदायिना कर्षवाण सकर्मणा निरुध्यान प्रसमाप्यर्थम विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करचक्रसमन्वितं ज्यामतिं सङ्केतं शोष्परधवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणां कमर्चयेत् आग्नेयोऽस्माद्दिदामेत्ताशेदातं यतोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतनिधत्तां रेषां देशावधानामनादि यामेस्तान् दन्दान् धातुवं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेजामावाहयामि तत्पत्नीकस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेनस्मृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सर्ववारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भृङ्गनादः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये. ओं वाचतां शून्यहं करोमि गुरुश्वास्तु प्रोक्षितमस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु भावान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु भावान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु भावान् शाम्यन्तु वायितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतौ समूढ़वस्वागुं सरे त्रिणिपदावचक्रमे विष्णुर्गपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतो आवृतानि वसुते इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षराततं तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणादा द्रविणसुस्तरस्य द्रविणादा सरस्य प्रेगंसते द्रविणादा वीरदिविषण्णो द्रविणाधाराः स्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदा भविष्यं यदा वै सूर्यवदयति नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यागच्छेति यत्तद् हन्यं पश्येति तावत् कुर्वीति यत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव कुरुते. ॐ भूवतिविरोत्युष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनां सर्वोत्तन्त्रविशुद्धं शान्तत्वं सगुण्यावाचरुणि पुण्यां भ्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां पुण्यां करुणोस्तु करुणा पुण्यां पुण्यां करुणोस्तु स्वस्तिरेन्द्रर्धस्वासन पूषाश्वेदा स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्ठिर्मिः स्वस्तिनः बृहस्पतिः ददातु ओं भूति वृक्षनिष्ठायां श्रीनिवास स्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सण्डिलपरिवृष्णास्रोत्तन्द्रविषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मन्तो करुणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मन्तो करुणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मन्तो करुणे स्वस्ति विद्यास्मभ्ये नमसां सद्यां तन्देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्तः सदञ्जीवेम सदस्वीराः ओं भूति वृक्षनिष्ठायां श्रीनिवास स्वामिनो वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तंडिलापरिवृष्णास्रोत्तन्द्रविषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं भ्रान्तो कर्मर्दितां वृद्धिं कर्मर्दितां कर्मवृद्धिं भ्रान्तो कर्मर्दितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आबोहिष्ठामया भुवस्तान ऊर्जेदादना महेरणा चक्षे योपसुतमार्दस्तस्भादेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो शिक्ष्याय जन्मधा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायाः जातः कस्वोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रेविरूपास्तान् आपस्सगुस्योनाभवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विजर्हिणी यपोदासमनात्मा पुणन्तमादेवजनाः पुणन्तमनवधिया पुणन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागतकुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मभिदा वयं पूतं ब्रह्ममुनिमहे इन्द्रसनिधे सहमाप्नातु सोमस्सस्यावरणसमीक्षाः यमराजाः प्रवणाभिप्नात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तक्षयोरावृणिमे गाति यज्ञाय गाति यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वर्धञ्च गातभेषजं शन्नो अस्तद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तिरमार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीच्याहान्ति जिगृहा पशुवामार्जयन्तां उदीः चान्दिष्टा भुवषदयो वनस्पति आमार्जयन्तां ऊर्ध्वायां इति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोद्राद्रैर्नागेभ्यमार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महातामहीयान् आत्मागुहायानितोऽस्यन्तो तमः कथं वसति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं वास्तोऽस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेश्वानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वशने यद्दपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोऽस्पदे सुग्मया सुं सदा ते सक्षिमी तैरण्या गातमत्याः आवक्षेमोदयोगे वृन्नो यूजं पात स्वस्थविस्सदानः अमेवः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपान्याविशन्ने सखास सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोऽस्यन्तो तमः कलं वसति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागृहत्सर्वे छान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च तेनेतभूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां बलवे कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषा मृगाणां सेनागृध्रानागस्वैधर्वणानागस्वमपवित्रमत्येतिरेपन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रियां जनयन्तीगं स्वरूपां वरुणान् महाविश्वक्षेणान् महा पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मा सक्षणा यथाभासा गुणोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஷ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்தது. குன்றம் ஏந்திய குளிர்மழை காத்த பிரான் என்கிறார் நம்மாழ்வார். ஆக குன்றம் என்றால் கிரி, இவன் கிரிதரன். இந்த கிரிதரனின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்து அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்துக்கு வந்துள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு வடகிழக்கு வடமேற்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு இவைகளே 8 திசைகள். இந்த 8 திசைகளையும் பரிபாலம் பண்ண பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவர்களே அஷ்டத்திக்கு பாலகர்கள். இவர்களை எப்படி அழைப்பது? இந்த காலத்தில் கல்யாண பத்திரிகையை வீடு வீடாக போய் கொடுக்கிறோம். சீனிவாச பத்மாவதி கல்யாணத்தின் போது கருட பகவான் 3 லோகங்களுக்கு பறந்து சென்று ஆஹ்வான பத்திரிகை அளித்தாராம். பக்தர்களே, நேற்றிரவு பௌர்ணமியின் போது எம்பெருமானை அவரது பிரிய வாகனமான கருடாழ்வாரின் மீது சேவித்து மகிழ்ந்ததை நாம் இப்போது நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம். இங்கே இந்த அஸ்தத்துக்கு பாலர்களை எப்படி அழைப்பது? ஆகவே மந்திரங்களால் ஆவாகனம் பண்ணுகிறார்கள். அதன்பின் அங்கே அதோ வைத்திருக்கும் பாலிகைகள் எனப்படும் நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களாலும் துளசியாலும் பூஜித்து தம்பதிகளின் இல்வாழ்வை செழிப்பாக இருக்க இந்த பாலகர்களை வேண்டிக் கொண்டு அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இனி முடிப்பார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அங்குரார்ப்பணம் என்றாலே ஆரம்பமாவது என்று பொருள். எந்த சுபகாரியங்களும் சுப நிகழ்ச்சிகளும் இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தான் முதல் சடங்காக வைத்துள்ளார்கள். ஏன், நமது எம்பெருமானின் பிரம்மோற்சவின் போது கூட நாம் கவனித்திருக்கலாமே, துவஜாரோகணத்துக்கு முதல் நாள் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடைபெற்றதும் அப்போது விஸ்வக்சேனர் வீதி உலா வந்ததும் நாம் தரிசித்தோம் அல்லவா? அதே போல ஒவ்வொரு சுப நிகழ்ச்சியும் முன்னாலும் இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் முதல் சடங்காக அமைந்துள்ளது. நமக்காக, நம் வேண்டுதலுக்காக நித்திய கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்திலும் இது கிரமமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதோ அந்த பாலிகைகளின் மேல் துளசி புஷ்பம் இவைகளையெல்லாம் வைத்து பூஜித்து மந்திரங்களால் ஆவாகனம் பண்ணி கைங்கரியத்தை முடிக்கிறார். இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வருவோம். அது ரட்சை பூஜை. பக்தர்களே, நமது திருமலையில் கடைபிடிக்கும் ஆகமம் ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம். விக்கனச முனி அருளியது. அதன்படி எம்பெருமானை விட்டு அகலாத இருக்கும் ஆதிசேஷனை இதோ இப்போது எம்பெருமானுக்கும் தாயார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரட்சைகளில் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற பூஜை இது. அதை இப்போது நாம் கவனிக்கலாம். அஸ்தத்துக்கு பாலகர்களை ஆவாகனம் பண்ணுவது போல இப்போது ஆதிசேஷனையும் இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அல்லவா? वैवाहि गोत्सकर्मांगं प्रतिसर देवता पूजा जगरिष्ये ओम सुचीवा हव्यां षण्णान् सत्तान् दुर्जातां स्वयंभरग्रीं तीं ताया नागराजमावाहयामि सहर्षिषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रतिसर देवताभ्यो नमः इदमासनं इदं भाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्जुनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि हरिः ओम स्वस्ति नः मेधामश्वनाभग स्वस्ति देवेन्द्रनः स्वस्ति पूषां सरोदातन स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे समं स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्या सोः भवन्तु नः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽवसरग्निः स्वस्तेः देवाः भवन्तु स्वस्तेः स्वस्तिनोः रुद्रः पातु त्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पत्युरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्तिनः इदेकृधि स्वस्थ बंधा मणिचरम सूर्या चंद्रमसा मिवा पुणथाघ्नता जानता संगमे मे स्वस्थ नंताक्षमृष्टि महद्भूतंबायसम देवता असुरघ्नमिंद्रासकम समत्सु बृहद्यसोनावुमारुहेम अं हों च मांगिरा संचयन च स्वस्थ्याः त्रयं मनसा सदाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभं. भक्तர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. இந்த ரட்சை பூஜையை தொடர்ந்து நடைபெற இருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ரட்சை என்பதை காப்பாக கூட கொள்ளலாம். ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த உதவுகிற கங்கணமாகவும் கொள்ளலாம். ஒருவன் ஒரு விஷயத்தை செய்து முடிக்கப் போகிறான் என்றால் என்ன சொல்கிறோம்? அடடா, அவன் இந்த காரியத்தை சாதிக்க கையில் கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்வோம் அல்லவா? இங்கே பகவானின் சங்கல்பம் என்ன? நம்மை போன்றவர்களை இந்த கலியின் பிடியிலிருந்து ரட்சிப்பது. அந்த சங்கல்பத்துக்காகவே வைகுண்ட லோகத்தை விட்டு கீழே இறங்கி இந்த திருமலைக்கு வந்திருக்கிறான் அல்லவா? அந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக கொள்ளலாம். இதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் உள்ளது பக்தர்களே. அதாவது இதை ஒரு திருஷ்டி கழிக்கும் காப்பாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நமது இல்லங்களில் கூட பிறந்த குழந்தைக்கு காற்று கருப்பு எதுவும் அண்டாமல் இருக்க வேப்பிலை காப்பு, வெள்ளிக்காப்பு, தங்கக்காப்பு என்று அணிவிக்கிறோம் அல்லவா? அவற்றுக்கெல்லாம் அந்த திருஷ்டிகளை போக்கும் சக்தி உண்டு. இங்கேயோ எத்தனையோ கண்கள் இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தை தாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றில் தீக்கண்களும் இருக்கலாம் அல்லவா? ஆகவேதான் அந்த தீக்கண்களில் திருஷ்டி பட்டாலும் படலாம். இந்த கண் திருஷ்டி படக்கூடாது, இந்த எம்பெருமானின் திருமேனிக்கு பங்கம் வராமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு கூட இந்த ரக்ஷை. எம்பெருமானோ சர்வ அலங்கார ஸ்வரூபன், தேவிமார்களோ மகா சௌந்தரியவதிகள். சசங்க சக்கரம், சக்கீரிட குண்டலம், சபீத வஸ்திரம், சரசுருகேக்ஷணம், சகார வக்ஷஸ்தல கௌஸ்துபஸ்ரீயம், நமாமி விஷ்ணும் சிரசா சதுர்புஜம், மேகசியாமம் பீத கௌசேய வாசம், ஸ்ரீவத்சாங்கம் கௌஸ்துபோத் வாசிதாங்கம், புண்ணியோபேதம் புண்டரி காயதாட்சம், விஷ்ணும் வந்தே சர்வலோகைக்கநாதம் என்று அந்த அலங்கார ஸ்வரூபனை நாம் மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். இப்போது அந்த எம்பெருமானின் திருக்கரத்தில் இந்த ஆவாகனம் பண்ணின ரக்ஷையை இதோ சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாகராஜன் எம்பெருமானுக்கு எல்லா விதங்களிலும் கைங்கரியம் பண்ணுகின்ற நித்திய சூரி. ஆதி என்றால் முதல் என்று பொருள், சேஷன் என்றால் பணிவிடை செய்யக்கூடியவன் என்று பொருள். ஆக மொத்தத்தில் எம்பெருமானுக்கு பணிவிடை செய்வதில் முதல்வராக இருப்பாராம் ஆதிசேஷன். ஆகவேதான் அவருக்கு ஆதிசேஷன் என்கிற பெயர். அந்த ஆதிசேஷனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இனி அடுத்து என்ன? பிராட்டிமார்களுக்கு. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு பட்ட மகிழ்ச்சிகள் ஆகப் போகிறவர்கள் அல்லவா அவர்கள். ஆகவே எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்கின்ற எல்லா உபச்சாரங்களையும் தேவிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும். முதலில் அகலகில்லேன் என்று எம்பெருமானின் பக்தஸ்தலத்தில் வீட்டிருக்கும் சீதேவி தாயார். ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேர் விஷ்ணூர் பராம் பிரேயசீம் தத்வக்ஷஸ்தல நித்யவாச ரசிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்தினிம் பத்மாலங்கிரத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம் என்று ஸ்ரீ வெங்கடேச பிரபத்தியில் சொன்னது போல எம்பெருமானின் சீற்றத்தை தணித்து நம் போன்றவர்களுக்கு அருள்மழையை வழங்க எம்பெருமானிடம் சிபார்சு செய்பவளே ஸ்ரீதேவி தாயார்தான். சமுத்திர ராஜகுமாரியான அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ முதலில் அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு நாமும் அவளது மணாளனான அந்த கோவிந்தனை சரணமடைவோம். ரமா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ரமாரமணனை இந்த சமயத்தில் நாம் நினைவு கொள்வோம். அடுத்து அருகில் இருப்பவள் யார்? பொறுமையின் பூஷணம், பூமண்டலத்தையே ஆள்கின்ற பூமிதேவி தாயார். ஸ்வேத வராக மகிஷீம் என்று பூஸ்துதியில் சுவாமி தேசிகன் பூஜித்ததைப் போல பொறுமையின் பூஷணமான பூமி தேவி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி நமக்கு திருப்பாவை எனும் கீதையை அருளியவள் ஆண்டாள் பிராட்டி. அவள் ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதாரம் பண்ணி நம்மை எல்லாம் திருத்துவதற்காகவே எம்பெருமானிடம் கேட்டு இந்த பூலோகத்தில் அவதரித்ததாக விஷ்ணு புராணம் கூறுகிறது. அந்த பூமி பிராட்டிக்கும் பூஜைகள் செய்துவிட்டு இதோ மந்திரித்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, சீதேவி தாயாரை விட பூமிதேவி தாயாருக்கு நாம் எல்லோரும் அவளுடைய குழந்தைகள் அல்லவா? ஆகவே அந்த குழந்தைகளின் ரக்ஷைக்காக அவளே இன்று அந்த ரக்ஷையை கட்டிக்கொண்டு நம்மையெல்லாம் காப்பதற்காக எம்பெருமானிடம் சிபார்சு செய்ய போகிறாள். இனி அடுத்து இந்த திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக அதோ நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அர்ச்சக சுவாமிக்கும் இப்போது இன்னொரு சுவாமி திருக்கல்யாண காரியங்களில் பங்கம் எதுவும் வராமல் இருக்க இப்போது அந்த மந்திரக்ஷ ரக்ஷையை அவருடைய கரத்திலும் கட்டுகிறார். இதை ஆத்மரக்ஷை என்பார்கள். பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தில் மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், ஸ்ரத்தாலோபம் என்று எந்தவிதமான லோபங்களும் வராமல் இருக்க இந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை அவருக்கு காப்பாக பயன்படும் என்பது நாம் உணர வேண்டும். இனி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு வர உள்ளோம். அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அக்னியை சாட்சியாக வைத்து நமது கல்யாணங்கள் நடைபெறுவது பண்டைக்காலம் தொட்டு வருகிற ஒரு சம்பிரதாயம் அல்லவா? யக்ஞ புருஷனான எம்பெருமானையும் சகல தேவாதி தேவர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணி இதோ ஹோம காரியங்களை நடத்த அர்ச்சக சுவாமி தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். ஓம் யதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தேருக்தேர்வாஹ ருத்தாம் சுத்தாசிர்வாஹான் மோக்து மை தேவாத்ரே நமாஜந்தாம் மய்யாசிரஸ்தமை தேவூதி தேவ்யாவதாரம் சுத்தபூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம் தன்வா சுவிராஹ மக்கே ஜதுவியான் ஹவ்யாகோத் சத்யாமன சோமேஸ்து ये नामान्याहं गलवचनाहं विश्वे देवातो अधिवाजदामे उद्धन्यमान मक्यामे ध्यान बापमान मिजमानसंतु शिवानसंतु प्रदर्शचचचन्ना माता प्रतिबीतोगसादा पोतक्षेत्रेण सौम्या कुलधं मिष्णा होतिंशदे जातवेदा भवनस्रेते हिंसतपसर्जनिषदेहि अग्निमत् श्रद्धादेव्यवागं शमीगर्भाजनव्यामे अभूः पपावरवाहजातवेरक्षणदेवीभ्याभ्यम्मानप्रजानने आयप्रजागमरे मस्मादेयस्रदीदेनोद्रोणे अग्नाया विदेर नानो विदादे देवता सुतवृषि ऐदेन मन्यस्वा अनुमदेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवहेत प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधुमस्रच वेनावः सबुद्ध्या मा सुष्टासश्चानुमतश्चवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मसेदमासनं सोमो धेनुं सोमार्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिकं सवेमित्रश्राणं यदादस्मै ओं भूस्वामावाहयामि भूरज्ञाङ्गमावाहयामि ओगम स्वाहिंदमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमायनमस्सेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्येतन्नागसविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलागस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्येतन्नागसविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलागस्तत्रिमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो यज्ञे स्थो वायुभूते स्थो विष्णुर्मनसा भूते स्थो यज्ञस्य पावने स्तः परशरपवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितपसवनात्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत्सूरसरस्विरापो देवीरग्रे भुवग्रे भुवग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं तत्तस्मानिन्द्रोणितोर्ययूयमिन्द्रमणिद्धं रुद्रतूर्ये प्रोक्षदास्ता कृष्णाः सागरेष्ठाः अग्ने त्वा स्वाहा विष्णवे नमः विष्णोस्तुभवति रक्षता देवेभ्यः विष्णुस्तुभवति कृतासि कृतासि ध्रुवासि तरुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मन्नभः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्येतन्नागसविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलागस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्येतन्नागसविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतामित्रलागस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण तिथेन प्रजातमवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इन्द्रमवाहयमग्निमवाहयं सोममवाहयमग्निमवाहयामि सोमवाहयमग्निसोममवाहयं प्रजातमवाहयं ब्रह्माणमवाहयं इन्द्रमवाहयं सोनावाहयमर्तमवाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयमायत्यनावाहयं विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमवाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदैत्य विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनपाग्नेष्ठनपाग्नेष्ठनपाग्नेष्ठनपाग्नेष्ठनपाग्नेष्ठनपामि अग्निशमाहाभ्यानिष्ठनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्ठनपां इन्द्राष्ठनपामि वसुभ्योष्ठनपां मरुद्भ्योष्ठनपां रुद्रेभ्योष्ठनपामि अपापस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवेष्ठनपामि मित्राष्ठनपां वरुणाष्ठनपां आदित्येभ्योष्ठनपां सुभ्याष्ठनपां पूष्णेष्ठनपामि कक्षाष्ठनपां सोमाष्ठनपाम् औपासनज्ञाष्ठनपामि यज्ञदिवसेभ्यो देवेभ्योष्ठनपाम् आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरुन्द्रप्रतिश्रयामि ज्योतिषज्ञज्योतिषं स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततं रक्षान्तरधारादयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वेस्तावनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसृष्मे स्वाहा वाक्पतिस्तावनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसृष्मे स्वाहा देवस्तासवितापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसृष्मे स्वाहा अक्षताभिर्मामे ज्ञेष्ठगाध्यनस्सन्तेका च शतं च सहस्रं चायितं च नीतं च प्रेतं च अर्भतं च नर्भतं च कुबेरायन्मा ईशानायन्मा ब्रह्मणेन्मा सोमायन्मा अग्नेन्मा जातवेसेन्मा सहोदसेन्मा वृप्रसेन्मा पंचरासेन्मा विसर्प्रेन्मा वैश्वानरायन्मा ऐतेन्मन्यस्वा अनुमतेन्मन्यस्वा सरस्तेन्मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमर्भधमानया ऐंतेत्मा आत्माजात वेदस्तीने धस्वदे जय सदे जास्मान प्रजापति ब्रह्मोत्थे नानाद्यन समेधिया अस्मिन् अवभासनाद्युंडे ब्रह्मन् समस्तम् आधास्ते आधस्वासमेधे स्वाहा वायव्यादाग्नेयांतम् प्रजापते स्वाहा निरित्यादिशानांतम् इंद्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आयतेभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षुसोमाय स्वाहा औपासनेग्नाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा व्याति ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा वगुम सो स्वाहा ओम भूर्भो सो स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देशदा प्रासावीहि ओम भूः अतिभुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रप्रियादृणात्प्रायश्चात्तम् अतो देवादिवैष्णवं होषे ऐते नमः निस्वा अनुमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देशदा प्रसवा ओम अतो देवाः मन्त्रदा विष्णुचक्रमे दिव्यासुतां स्वाहा विष्णुस्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः अनुमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देशता प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూవుల దండలు తీసి పూవులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూవుల దండలు తీసి పూవులీయరే గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకొంటా సతితో భాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో భాగాలియరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే वेदार्थ विदे विघनसे नमः सतिस्मृतिरिति पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरमशक्त्याभ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानां अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्याप्तेजोवायुवाकाशाहङ्कारमनोव्यक्ताख्य सप्तावृणीरावृतिम् अस्मिन् महति ब्रह्मांडे आधार शक्ति श्रीवराह कूर्मानंदाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल रसातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महालोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक आक्ष षड्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणा मणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्ड सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सुन्दमती गन्धवत्तिलकावती यशोवती इति अष्टदे उपरि विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायुकुबेरीशानाख्या अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्या सप्तान्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षक्षक्रौञ्चस्साकसान्मलपुष्कराकाख्या सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमले सहदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीडावृतभद्राश्वकेतुकमालक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवरागार पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्तिकुरुक्षेत्रादिसमभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु हे जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभाग लोहितधामासङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्यातलेश्वरमण्डपर्यन्तं कतराशीर्वर्ष सहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वराष्ट्रोपकृतसंहितकाले श्रेणिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टमतिराप्ताप्तोर्जाम शान्तमनुवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् परव्युहो अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपरूपणैः भृग्वादिभिर्मन्मादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तग्रह कन्यादानकल्पवक्ता कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्योः अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रिहर्षे प्रदानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंबित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रिहर्षे प्रदानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुड़वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवाहनार्ववेदल पंचार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्धवीं सर्वालंकारवतीं स्वरांगना संसेविता पादारविंदां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे धरात्र्यार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं स्वरांगना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसंपन्नां कनकाभरणीरुतां दास्यामि विष्णुवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालंकृतां मांसाद्धीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वंभरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलावती कन्यादान समूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु பிரார்த்திவார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்து திருமாங்கல்ய பூஜை. தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்கிற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். நேற்று முதல் துலா மாசம் என்கிற ஐப்பசி மாசம் தொடங்கியுள்ளது. வருஷத்தில் ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் ஒரு விசேஷம் உண்டு. அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்த துலா மாசத்தில் நதிகளில் நீராடுவதால் நமது பாபங்கள் அனைத்தும் விலகும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை. அதிலும் குறிப்பாக ஸ்ரீரங்கத்தில் ஓடும் காவிரியில் நீராடுவது அத்தனை புண்ணியமான காரியமாகும். ஸ்ரீரங்கத்தில் காவேரி பாயும் இடத்துக்கு அம்மா மண்டபம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இதை அகண்ட காவேரி என்பார்கள். அங்கே ஒரு விதவை தாயார், அவளுக்கு ரங்கனின் நமது ஸ்ரீரங்கநாதரின் மேல் அளவில்லாத பக்தி. தன்னுடைய ஒரே மகனுக்கு ரங்கன் என்று பெயர் சூட்டி அவனை ரங்கா 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 என்று அழைக்கும் போதெல்லாம் பள்ளி கொண்ட ரங்கநாதரையே நினைத்து கொண்டிருப்பாளாம். தினமும் பொழுது விடிந்ததும் ரங்கன் மாடு மேய்க்கப் போவான். பகல் வேலையானதும் அவனுக்காக கஞ்சி எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒரு மரநிழலில் அமர்ந்து கொண்டு ரங்கா ரங்கா என்று 2 முறை கூப்பிடுவாள். அம்மாவின் குரல் கேட்டதும் ரங்கனும் ஓடி வந்து அவள் கொடுக்கும் அந்த கஞ்சியை உண்டு பின் கொஞ்சம் இளைப்பாரியதும் திரும்பவும் மாடு மேய்க்கப் போவான். மீதமுள்ள கஞ்சியை அந்த கிழவி அருந்திவிட்டு தன் குடிசைக்கு போய்விடுவாள். ஒரு நாள் சுட்டரிக்கும் வெயில் அவள் மரத்தடியில் கஞ்சிப்பானையை வைத்துவிட்டு ரங்கா ரங்கா என்று 2 முறை அழைத்தாள். உடனே ஓடிவரும் பிள்ளை வரவில்லை. மகனுக்கு என்ன நேர்ந்ததோ என்று அந்த தாய் உள்ளம் பதறியது. தான் எந்த நேரமும் வழிபடும் ரங்கநாத பெருமானை மனதிலே பிரார்த்தித்து கொண்டு மறுபடியும் 1 முறை ரங்கா என்று உரக்க கத்தினாள். இது பள்ளிகொண்ட பெருமாளை உலுக்கி எழுப்ப அவர் அந்த ரங்கனைப் போலவே உருமாறி அங்கே வந்து, அம்மா இதோ நான் வந்துவிட்டேன் என்றுரைக்க, அவனை கண்டதும் அவனை அப்படியே வாரி அடைத்து கொண்டு உச்சி முகர்ந்து முத்தமிட்டு, ரங்கா வந்துட்டியாப்பா, நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன், நம்ம ரங்கநாதர் தான் என்னை கைவிடலை என்று சொல்லியபடி அவரும் அம்மா பசிக்கிறது என்று சொல்ல பரவரவென்று கஞ்சியை பரிமாறினாள். அவர் ஆவலோடு உண்பதை பெருமிதத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள். அப்போது அம்மா என்று ஒரு குரல் கேட்க திரும்பி பார்த்தால் அங்கே அவள் பிள்ளை ரங்கன். கன்றுக்குட்டி ஒன்று முட்புதர்களில் சிக்கிக்கொண்டது. அதை மீட்டு தாய்ப்பசுவிடம் சேர்த்துவிட்டு இதோ ஓடி வருகிறேன் என்று சொல்ல அதிர்ச்சியானாளாம் அந்த தாயார். அப்படியானால் இங்கே வந்து கஞ்சியை என் கையால் வாங்கி குடித்தது நீ இல்லையா என்று இந்த பக்கம் திரும்ப அதற்குள் ரங்கநாதர் மறைந்து விட்டார். நடந்ததையெல்லாம் கேட்ட மகன், யாரோ உன்னை சரியாக ஏமாற்றியிருக்கிறார்கள், இதே போல நாளைக்கு மறுபடியும் 3 முறை கூப்பிடுங்கள், அந்த போலி ரங்கன் வந்ததும் அவனை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றானாம் இந்த ரங்கன். அடுத்த நாள் இவன் ஒரு மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொள்ள அதே போல் தாயார் 3 முறை அழைக்க வந்துவிட்டார் பிள்ளை வடிவில் ரங்கநாதர். அடுத்த நிமிடமே பாய்ந்து வந்த பிள்ளை ரங்கநாதரை அடிக்க கையை ஓங்க தாய் தடுத்தாளாம். வேண்டாம்ப்பா வேண்டாம், இவன் யாராவது இருக்கட்டும், என் கையால் கஞ்சி வாங்கி குடித்த இவனும் எனக்கு ஒரு பிள்ளைதான், பசி என்று வந்தவனை ஒன்றும் பண்ணாதே என்றாளாம். ரங்கநாத பெருமானே இது என்ன விளையாட்டு என்று கைகூப்பி வேண்ட உடனே ரங்கநாதர் பிரத்யட்சமாகி, அம்மா நீ தினமும் கூப்பிடும் இந்த ரங்கனை கண் திறந்து பார் என்றாளாம். கண் திறந்து பார்த்த தாயார் திருப்பானாழ்வாரைப் போல எம்பெருமானை திருவடி முதல் உச்சி வரை தரிசித்து அவரது திருப்பாதங்களை வணங்கினாளாம். அப்போது எம்பெருமான், தாயே இந்த ஏழையிடம் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டாயே, அனைவரையும் தன் பிள்ளையாய் பாவித்த தாயன்பு என்கிற ஒரு பெரிய சொத்து உன்னிடம் இருக்கிறது, உன்னுடைய அந்த அன்பால் கவரப்பட்டு உன்னுடைய கையால் அமுதுண்ண இங்கே வந்தேன் என்று கூறி மறைந்தாராம். இந்த விஷயம் காட்டுத்தீ போல ஊரெங்கும் பரவ இதை கேள்விப்பட்ட நம்முடைய ஆச்சாரியர் ராமானுஜர் அந்த காவேரிக்கு திருவால் காட்சி தந்த அதே அந்த மண்டபத்துக்கு, அந்த காவேரி ஆற்றின் அந்த மண்டபத்துக்கு அம்மா மண்டபம் என்று பெயரிட்டு வருடத்துக்கு ஒருமுறை அரங்கநாத பெருமான் அங்கே எழுந்தருளப் பண்ணுவார். கஞ்சியை நிவேதமாக படைக்கும் ஒரு முறையையும் ஏற்படுத்தி அந்த தாயை கௌரவப்படுத்தினாளாம். கங்கையின் புனிதமாய காவிரி நடுவுபாட்டு பொங்கு நீர் பறந்து பாயும் பூம்பொழில் அரங்கன் தன்னுள் எங்கள் வாழ் இறைவனீசன் கிடந்ததோர் கிடகை கண்டும் எங்கனம் மறந்து வாழ்கேன் ஏழையேன் ஏழையேனே என்று தொண்டடிப்படியார்வார் பாசுரமிட்டதை இப்போது நாம் நினைவு கொள்ளலாம். ஆக மொத்தத்தில் இந்த புலா மாதத்தில் அந்த காவிரி கங்கையினும் புனிதமானவளாம். அந்த காவிரியில் நீராடினால் நம்முடைய அத்தனை பாபங்களும் விலகுமாம். பக்தர்களே, நாமும் முடிந்தபோது காவேரிக்கு சென்று நீராடுவோம். இப்போது எம்பெருமான் அருள்மழையில் நீராடுவோம். அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம், திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி எம்பெருமானின் சார்பாக தேவிகளுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க தயாராகிவிட்டார். பிரஜாபதிஸ்தோமுகம் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேத அன்மஸ்ருஜந்தா தான் ஹஸ்தே குருதாம் अधा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधोरिमागुं समेधमत्सदा सौभाग्यमत्वै दत्तायादास्तं विपरेतना मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षण हेतवे कंठे भद्रामि सुभागे रक्षत्वं भवनत्रयं मांगल्यधारणसमुहूर्तोऽस्मि भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु. प्रजापतिस्तोमुखं राजानुसृजता तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागुं समेधवत्सदा सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सदा देवी वासुकी ब्रह्मवत्सः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः मांगल्यधारण मुहूर्तस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु समुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। वेलयुनि कल्याण वेदिका इमे वर्णसुदेमद्वाजमुडियातामस्राजगे स्वाह तत्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः सेजमानोभिर्भि अहेडमानवर्णेह बोधर्शं समान आयुः प्रमोसि स्वाह तन्नाग्नेवर्णसिद्धान् देवसेडवयासीष्ठाः यजुष्ठो पण्डितमस्वः जाना विश्वाद्वशां च प्रमुत्यत् स्वाह तन्नाग्नेमो भवति नेतस्यास्यावसव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णमराणो विहिमृडिं सहोनेधि स्वाह त्वमग्ने अयास्यातन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजग् स्वाह। ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुकुस्थाः हनुमतेन मुकुस्थाः सरस्तेन मुकुस्थाः देवसविता प्रासावीः। ओम भूवतिभिरोक्तिष्ठायां श्यां श्रीनिवासस्वामिनो वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविता पशुवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य। इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। उदायुषा स्वायुषोदहदेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः। इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। उदायुषा स्वायुषोदहदेनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महिद्विषः। इमाम लाजानावामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यवब्रूदे अग्नौ लाजानौ वन्दी दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां न्यातया मम स्वाहा उदायसा स्वायुषो दोहिते नागमृषेणोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वापदत्वया भजं धारावदन्यायव अतिगाहे महिद्विषः ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा वगुम स्वाहा ओम भूर्भो स्वाहा अदेनमुगस्थाः सरस्तेनमुगस्थाः देवसविदः प्रासावीः ओम भूतिभिरत्विष्टायां सां श्रीनिवासस्वामिनं वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यात्रनाथप्राश्तार्थम् अतो देवादि वैष्णवं होष्ये अदेनमुनिस्वा सरस्तेनमुनिस्वा देवसविदः प्रसवां अतो देवाहमंत्रविष्णुचक्रमे दिव्या सदा विस्वाह इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवदं समो नमः स्वाम श्रेय स्वाह त्रिणिपदाचक्रमे विष्णुगवादाभ्याधर्मान धारयन् स्वाह विष्णोः कर्मान् वसेदः वृदानुसेन्द्रसेजसखा स्वाह तद्विष्णोः परं पदं सदा संस्वरेः दिव्यजक्षादग स्वाह तद्विप्रासो वन्यमोजार्धभागं दशविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग स्वाह ओं भू स्वाह ओं भू स्वाह ओं सो स्वाह ओं भूर्भो स्व स्वाह ऐतेन मुगस्थाः हनुमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसविदः प्रासावीः ओम भूतिभिरत्विष्टायां सां श्रीनिवासस्वामिनं वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्ध्यर्थम् उपरिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा हनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविदः प्रसवाम् यदस्य कर्मणोऽतिरितं विद्यानेन महाग्रमग्निसृष्टाकृतं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सदादादेनां कामानां समत्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेः नादाय स्वाहा अग्नेः नमदे स्वाहा प्रजापदे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवदे नमः वास्तवदे स्वाहा यन्मात्मनां इन्दाभूदग्निस्तत्त्वनराः जातवेदावचसे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात्रेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाजं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विशिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यैः स्वाहा द्योराध्यैः स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा वृद्धैः स्वाहा समुद्धैः स्वाहा सर्वसमुद्धैः स्वाहा आस्रावितमत्यास्रावितं षट्कृतमतिनोः किञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्छे नमग्नपर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा कदाचिद्देवान् स्वाहा स्वस्तिन इन्द्रो स्वास्तिन पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षोष्णीस्तिन बृहस्पतिदात स्वाहा यदोः सदिमे स्वाहा समदस्तेजस्तेजमेदय स्वाहा यमसदि मुक्त्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यदि मे दक्षिणमे भाय स्वाहा सोमसदि मे चित्तमे भाय स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान्मे भाय स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धि मे भाय स्वाहा सप्तदे अग्नि सप्त सप्त स्वाहा सप्त सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रियसप्तयो निरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं मे दर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तम् वोषधवनस्पन्दर्वासेभुक्तम् अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधवनस्पन्दर्वासेजीर्णः स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समाहतेरि वसुभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभः गच्छेत् स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्तसप्तैः सप्तैः सद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सद्धात्वा इन्द्रियसप्तयोनि रावृणः स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिपन्तां वोषधवनस्पन्दर्वासेक्षिपन्तामिदक्षिपदामः प्रदामः साक्ष्यं स्तुतिपन्ताम् अनुतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसविदः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयाः स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः स्वाहा तत्सन्मे भूयाः स्वाहा अक्षमा मे चेष्टाः प्राचाः देवार्तिरामार्जयन्तां दक्षिणायां धिष्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीचाः दुर्ग्रहार्तिरामार्जयन्तां श्रापोवर्देवनस्यामार्जयन्तां गोष्ठायां दक्षिणसम्मत्सराक्रमधर्मार्जयन्तां असाधराधरे नागेहेभ्यामार्जयन्तां दक्षिणतः परदीपण्या पश्चिमतः परदीपण्या उत्तरतः परदीपण्या दक्षिणतः विष्णुः सर्मसि पश्चिमतः विष्णुः सर्मसि प्राच्यां विष्णुः सर्मसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवषदे अमृतां पृषदयश्चदिवङ्गच्च सिद्ध्यन्तां देवसदनं सिद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तियोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सिदं च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायत्वायां बलाया शताया सदन जवर्ष क्षेत्रियाशम आबोहिष्टामयोभोस्तानुर्जेदादन उषतीरिव मातरः तस्मा हरङ्गमाभूय शिक्ष्या जिन्वतः आपो जनेथा जनः हरस्ते भूयासं मे मेधा मे प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधा मे प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधा मे प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो ददातु करो मे सकलम ब्रह्मे श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः समानः सर्वं श्री भूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। भक्तர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்த பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டிகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வருகிறோம். பூமகன் புகழ் வானவர் போற்றுதற்கா மகன் அணி வானுதல் தேவக்கி மாமகன் மிகுசீர் வசுதேவர் தம் கோமகன் வாரில் கூடிடு கூடலே. இது நாச்சியார் திருமொழி. வசுதேவரின் மைந்தனான வாசுதேவனையே மணக்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையோடு இருந்தவள் ஆண்டாள். அந்த திருமணம் எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று அதை அவள் கனவில் கண்டாளோ அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்ன பாசுரங்களே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்களும். அவற்றை இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத முத்துடை தாமம் நிறைதாந்த பந்தற்கீழ் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்தன்னை கைத்தலம் பற்ற கனாக்கண்டேன். எத்தனை அழகாகவும் ஆர்வமுடனும் உறுதியுடனும் பாடியிருக்கிறார் பாருங்கள். பக்தர்களே, இனி அடுத்து இன்னொரு இனிமையான நிகழ்ச்சி. திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்தடுத்து வரும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளுமே இனிமையானதுதான். இருந்தாலும் இந்த மாலை மாற்றுதல், அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது மிகவும் அற்புதமான ஒன்று. புதுமண தம்பதிகளான மலையப்ப சுவாமியும் அவருடைய தேவிகளும் ஒருவருக்கொருவர் மாலைகளை மாற்றிக்கொள்கின்றனர். இந்த மாலை மாற்றும் நிகழ்வின் போது ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சீதாதேவியின் சுயம்பரத்தில் சிவதனுசை வளைப்பவருக்கு என் திருமகளை மனம் செய்து கொடுப்பேன் என்று ஜனக மகாராஜா சொல்ல ஸ்ரீராமன் வில்லை தூக்கி நிறுத்தும் போது அந்த வில்லே ஒடிந்து விழுந்ததாம். இதைக் கண்டு சீதாதேவி பயந்து விட்டாளாம். தந்தை சொன்னதோ வில்லை வளைக்க சொல்லி, ஐயோ இவரோ உடைத்து விட்டாரே, எங்கே தந்தை மறுத்து விடுவாரோ என்று பயந்து கணம் கூட தாமதிக்காமல் ஓடோடி வந்து ஸ்ரீராமனின் கழுத்தில் மணமாலையை அணிவித்தாளாம். பக்தர்களே, இதோ இங்கு தேவியர் இருவரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தாங்கள் சூடிய மாலையை தங்கள் மணாளனான மலையப்பனுக்கு சமர்ப்பிப்பதை நாம் இதோ இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா. முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு, அடுத்து இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவி தாயாருக்கு இப்போது அந்த மாலையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். ஆண்டாள் தன் மனம் கவர் நாயகனிடம் மேகத்தை, மயிலை, குயிலை, கார்கோடல் பூக்களை என்று எத்தனை தூது விட்டிருக்கிறாள். இது மாலை விடு தூது. அவள் சூடிய அந்த மாலை இப்போது மலையப்ப சுவாமியின் தோள்களுக்கு மாற்றி இதோ மாலை மாற்றும் சடங்கை முடித்து வைக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவிகள் சூடிய மாலை எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் வந்து சேர்ந்த பின்னர் எம்பெருமானின் மந்தகாசமான முகத்தை பாருங்களேன். இது அடுத்த நிகழ்வு. இதுவரை தூரத்தில் இருந்து கொண்டே தங்கள் கடைக்கண்ணால் எம்பெருமானை நோக்கிக் கொண்டிருந்த தேவியர்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் இரு பக்கமும் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத்த சீனிவாச பெருமானை சம்பூர்ணராக நாம் தரிசனம் தரவுள்ளார் மலையப்ப சுவாமி. மூவரையும் ஒரு சேர தரிசிக்கும் நம் கண்கள் செய்த பாக்கியமே பாக்கியம். பின்பு அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெறும். மங்கள அட்சதையை தம்பதிகளின் சிரசில் சேர்த்து மங்கள நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வார். இதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்கள ஹாரத்தி 30 முக்கோடி தேவர்களும் நம்மோடு சேர்ந்து எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண வைபவத்தை கண்டு களித்ததாக ஐதீகம். நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆதி தம்பதிகளின் திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்திக்கிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।